खुद की कीमत बढ़ाओ और अमीर बन जाओ। चलो आइए इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे आते हैं कि धंधा चलता नहीं है, डिप्रेशन है, मंदी है, प्रॉब्लम्स है, कोई धंधा करो तो बस अपने हाथ में मिट्टी आती है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ कि जो आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप अमीर बन सकते हैं। नंबर एक, आपको यह देखना है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं और जो मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं वहां डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। यदि ऐसा है कि आपके मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और आपका माल कम है तो फिर आपकी कीमत आप बढ़ा सकते हैं और आप मुंह बोले दाम लगा सकते हैं। मगर ऐसा है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तो फिर आपको कॉम्पिटिशन में मारामारी करनी पड़ेगी। जैसा बहुत सारे ज्वेलर्स की दुकान है, एक ही लाइन में बहुत सारे ज्वेलर्स है और आप भी फिर एक नया ज्वेलरी शॉप खोल रहे हैं तो वहाँ जहाँ 50 ज्वेलरी की दुकान है वहाँ आप 91 ज्वेलरी शॉप चालू कर रहे हैं तो वहाँ कॉम्पिटिशन है, मारामारी है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपको बस स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपको बिजनेस के लिए ऐसा मार्केट ढूंढना पड़ेगा कि वो मार्केट में डिमांड है मगर सप्लाई नहीं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते कि समझो आप ऐसे एक सिटी में जाते हो कि जहाँ समझो पेट विकार का डॉक्टर नहीं है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है मगर सप्लाई नहीं है, वहाँ डॉक्टर डॉक्टर वो जाता है और वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वहाँ यदि प्रैक्टिस चालू करता है डेफिनेटली उसकी बेड अच्छी चलने वाली है क्योंकि वहाँ डिमांड है मगर सप्लाई नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कि प्याज के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं कब, जब सप्लाई कम हो जाता है। हमने देखा हुआ है कि 100 रुपये 150 रुपये तक प्याज 1 किलो के लिए लोगों ने रेट गिने हैं, दिए हैं लोगों को, मगर जैसा ही प्याज का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है रेट गिर जाते हैं, रेट फिर 30 40 50 रुपये तक आ जाएंगे प्याज के रेट। तो ये डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल बहुत शांति से, बहुत समझदारी से वो हम देखते हैं कोई बिजनेस चालू करने के पहले। और आप यदि फर्स्ट है डिमांड सप्लाई के मतलब ये रेशो में तो आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा और अमीर बन जाएगी। नंबर दो ये है कि आपके पास में कौशल्य कितना है, ज्ञान कितना है और उसके भरोसे आप कितना काम कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं। समझिए एक वर्कर है, एक मजदूर है, उसको मैंने एक 10,000 फीट का प्लॉट दिया और उसको मैंने बोला कि यहाँ बहुत कचरा पड़ा हुआ है, पूरा कचरा खोद के निकालना है और वहाँ अच्छी मट्टी डाल के उसको प्लॉट को अच्छा करने का है। तो बोलेंगे हाँ मुझे वो मैं कर सकता हूँ, सब वहाँ जो कचरा है वो मेरे को खोद के निकालना पड़ेगा, पूरा साफ करना पड़ेगा और साफ करने के बाद में मुझे बाहर से मट्टी ला के यहाँ डालनी पड़ेगी। मैंने बोला कि भाई समझो कितना पैसा लेंगे, बोले 1,000 रुपये खोदने के लूँगा और 1,000 रुपये भरने के लूँगा, ऐसे 2,000 रुपये लूँगा, 2 दिन लग जाएंगे। मतलब ठीक है, हरकत नहीं है। अभी देखिए कि आप एक डेंटिस्ट के पास में जाते हो, आपका दांत दर्द कर रहा है, दांत दर्द करने के बाद में आ जाने के बाद में वो देखता है, बोलता है कि ये दांत जो दर्द कर रहा है ना वो दांत अंदर से सड़ा हुआ है, कीड़ लग गई है, अभी ये पूरी साफ करनी पड़ेगी, खड्डा खोदना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद में उसमें सीमेंट भरना पड़ेगा और कैप लगानी पड़ेगी। बोले इतना इसका कितना पैसा लगता है, कि बोले गड्ढा खोदने के लिए मैं 4,000 रुपये लूँगा या 5,000 लूँगा, जो भी उसके चार्जेस है, और गड्ढा भरना है और उसके बाद में उसमें कैप लगाने का है तो वो कैप लगाने के मैं 5,000 रुपये और लूँगा, मतलब 5,000 और 5,000 10,000 रुपये हो गए। अब वो काम 1 घंटा 2 घंटे में वो कर लेगा। अब देखिए कि पहला वाला काम भी सेम था देखा जाए काम तो, और ये भी काम सेम है, मगर ये काम डेंटिस्ट का जो है कौशल्य का है, स्किल है, ज़िंदगी का है, ज़िंदगी इन्वॉल्व हुई है तो इसके लिए वैल्यू है उसकी है। तो आप जो भी काम करते हो उसमें कितना कौशल्य आपके पास में है, कितना स्किल है, कितनी वैल्यू है, मतलब कितना वैल्यूएबल है वो, ज़िंदगी आपके हाथ में है तो फिर वहाँ आप कुछ भी मांग लो आपको वो मिल जाएगा। तीसरी बात, आपको ये देखना है कि भाई मैं चेंज अपनाने को तैयार हूँ क्या। आप अभी इतना इतनी फास्ट दुनिया आगे बढ़ रही है, रोज़ चेंज होते जा रहा है और वो चेंज में लोग जो बदलते नहीं वो मारे जा रहे, मर रहे हैं। अभी देखा होगा कि कोडैक फिल्म एक ज़माने में मार्केट शेयर कितना बड़ा था, 80-90% मार्केट शेयर था, अभी कोडैक फिल्म है नहीं क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया, अपना धंधा कायम रखा, अपन तो राजा है, बॉस है और उसमें मस्ती में वो मर गए। अभी देखिए नोकिया एक समय 80% शेयर था, मार्केट शेयर नोकिया का, अभी आज क्या हाल है, बाकी लोगों ने टेकओवर कर लिया क्योंकि बाकी लोगों ने नई चीज़ें अपनाई, चेंज किया और वहाँ से वो आगे बढ़ गए। तो चेंज करना जरूरी है समय के मुताबिक। और नंबर चार, आपको ये देखना है कि मैं कौन सा प्रॉब्लम कस्टमर का सॉल्व करने वाला हूँ, मार्केट में कौन सा प्रॉब्लम है और मैं जो सेवा देने वाला हूँ, मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ, वो बिजनेस से कौन सा मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या मार्केट का प्रॉब्लम कौन सा है
उसके लिए सॉल्यूशन के लिए मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। यदि आप मार्केट का प्रॉब्लम देखते हैं कि कौन सा मार्केट का प्रॉब्लम है और वो यदि सॉल्व करना है मुझे, तो मैं क्या कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाऊँ। तो मार्केट का प्रॉब्लम, मेरी कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी, यदि मैं उसको जोड़ देता हूँ तो आदमी अमीर बन सकता है कि धंधा बहुत चलेगा। देखो, एक आदमी ने देखा कि भाई हम जो बैग सूटकेस उठाते थे और उठा के लेकर जाते थे तो वो तकलीफ वाला कार्यक्रम था। लेडीज है, जेंट्स है, तकलीफ बहुत बड़ी सूटकेस भरी हुई है। अब एक आदमी ने देखा कि नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो जो सूटकेस है उसको मैं चक्के लगा सकता हूँ। तो मार्केट का ये प्रॉब्लम था कि इतनी बड़ी बैग भर के कैसे उठा के ले जाना, उसने उसको चक्के लगा लिए और करोड़पति बन गए। मार्केट में फर्स्ट मूवर का बहुत फायदा होता है, जो पहला करता है ये तो आगे बढ़ जाता है, बाकी लोग भी करते हैं, फिर ये देख देख के बाकी लोग करेंगे, बाकी लोग भी चक्के लगाएंगे, मगर उनको जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता नहीं है। तो आप ये बातें करते हैं तो बहुत आपको पैसा मिलेगा, बहुत अमीर बन जाएंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल है। नंबर दो है स्किल्स, आप कितने अपने आप में लाते हो। नंबर तीन, चेंज कितना लाते हो। नंबर चार, आप इनोवेशन कितना करते हो अपने इसमें, और नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे लाते हो। वो आप करेंगे तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, अमीर बन जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो जो आपके दोस्त हैं जिनको अमीर बनना है, बहुत पैसा कमाने का है, उनको जरूर ये शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।